नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल चरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर शनिवार रात 8 बजे मेरा पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। आज का किस्सा एक सामाजिक समस्या पर आधारित है, दहेज प्रथा। मैं इस समस्या को महिला विशेष नहीं कहना चाहती, ऐसा क्यों? कहानी पूरे होने के बाद मुझे आशा है कि आप तक इसका जवाब पहुंच जाएगा। तो आइए सुनते हैं कविता और किस्से का संगम। शीर्षक है सूटकेस। सिंह साहब बड़े गुस्से में दिख रहे थे, चेहरा लाल, ललाट पसीने से भीगा हुआ था। जेठ की दोपहरी में बर्तुहारी करना मतलब गर्मी में भट्टी में घुसने जैसा है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं, बर्तुहारी लड़के वालों के यहाँ अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने की क्रिया को कहते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से लड़के वालों का गर्म मिजाज। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लड़की वालों को पानी तक नहीं पूछते। जो भी हो, समाज की कुरीतियों का गुस्सा सिंह साहब के चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो भी क्यों ना, निम्मी तीसरी लड़की थी उनकी, जिसका विवाह निपटाकर उन्हें गंगा नहाना था। उसके बाद बचा उनका लड़का निक्कू, जिसमें दौड़ने की बारी उनकी नहीं किसी और की थी। घर पहुंचते ही सिंह साहब ने सारे धूप की गर्मी, समाज की बेरहमी से जन्मे गुस्से को घंटी बजाने में उतार दिया। पर उनकी पत्नी निर्मला घंटी की इतनी तीव्र आवाज से दरवाजा खोलने दौड़कर नहीं आई, बल्कि बड़े आराम से आई। शांति से दरवाजा खोला, सिंह साहब को ठंडा पानी दिया, बिना कुछ बोले सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गई। निर्मला जी अभ्यस्त हो चुकी थी, दो लड़कियों की शादी ऐसे थोड़ी ना की थी। उन्हें पता था किसी लड़के वाले ने आवाज तेज कर दी होगी, किसी ने दाम तेज कर दिया होगा, किसी ने टीवी का साइज बढ़ाया होगा, किसी ने कार मांगी होगी। सिंह साहब का गुस्सा बम की तरह फूट ना जाए और अपशब्द के छींटे निर्मला जी के ऊपर ना पड़ने लगे, इसीलिए अपने कानों की सुरक्षा हेतु वो ऐसे समय सोफे के दूसरे कोने पे ही बैठती थी, ताकि सिर्फ जरूरी बातों से ही अपने कानों को तकलीफ दे। सिंह साहब बड़बड़ाने लगे, कैसे लोग हैं, ना किसी ने पानी पूछा ना शरबत, इतनी गर्मी है ना बात में ढंग ना रहन सहन में, और आसमान जितना दहेज चाहिए। अरे हमने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, पर किसी को मतलब भी है? कोई पूछता भी नहीं लड़की क्या कर रही, कितना पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है। लड़की है बस उनके हिसाब से किसी काबिल नहीं, सब अपने लड़के का रेट बताते फिर रहे हैं। तभी निर्मला जी ने चुटकी ली, आपने भी तो यही किया था मेरे पिताजी के साथ, किसी ने कहां ध्यान दिया कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूं, दाम घटाए थे क्या? निर्मला जी ने टेढ़ी मुस्कान कर कहा। सिंह साहब के सर पर तो जैसे सच के सिंह आ गए, उन्होंने झल्ला कर कहा, तुम तो मेरे परिवार वालों के पीछे पड़ी रहती हो, और उठकर अपने कमरे में चले गए। निर्मला जी चुप होकर सोच में डूब गई, कैसे उनके पिताजी ने पैसे जमा किए थे, कितने लड़के वालों ने बदतमीजी से उनसे बात की थी, सब कुछ उनके दिमाग में घूमने लगा। कितनी बार उन्होंने कोई मिठाई नहीं खाई होगी, कितनी बार किसी पसंदीदे जूते को देखकर वापस रखवाया होगा, कितनी बार किसी अच्छे शर्ट को मना किया होगा, कितनी बार बहुत दूर पैदल चले होंगे और रिक्शे वाले को कहा होगा इतनी कम दूर का कितना महंगा कह रहे हो, कितनी बार महंगा फल नहीं चखा होगा ये सोचकर कि रिटायरमेंट के बाद खाऊंगा, कितनी बार। और फिर वही मिठाई, जूते, शर्ट, रिक्शे की सैर, महंगे फल का स्वाद बंद कर एक सूटकेस में दे दिया होगा दहेज में, और लेने वाले ने मुंह बनाकर उनकी सारी जिंदगी की मेहनत रख ली होगी अपने सूटकेस में, और कहा होगा बड़ा कम दिया इस लड़की वाले ने, इससे ज्यादा मिठाई, जूते, शर्ट, रिक्शे की सैर और महंगे फल का स्वाद हमारे लड़के को दूसरी लड़की वाले दे रहे थे। दरवाजे की घंटी से निर्मला जी की तंद्रा टूटी। निक्कू और निम्मी साथ ही घर पहुंचे थे। निक्कू एक कोचिंग में बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहा था, निम्मी एक स्कूल में शिक्षिका थी।
निर्मला जी ने दरवाजा खोला और जैसे ही दोनों अंदर आए उन्होंने निक्कू को सोफे पे बिठाया, निम्मी से उसके लिए पानी लाने को कहा। दोनों ही बाहर से थक कर आए थे, पर निर्मला जी को ऐसा लगता है कि निक्कू निम्मी से ज्यादा थक जाता है। निम्मी को भी ऐसा ही लगता है कि निक्कू उससे ज्यादा थक जाता है। समाज को भी ऐसा ही लगता है कि हर निक्कू निम्मी से उतना ही काम करके ज्यादा थक जाता है। देखते ही देखते निम्मी की शादी 20 लाख नकद और एक गाड़ी में ठीक हो गई। हाँ, एक ठीक ठाक लड़के से ठीक हुई, पर लड़का तो हर शादी में कॉमन होता है। दहेज की रकम ऊपर नीचे होती है, इसलिए मैंने उसके बारे में बताना ज्यादा जरूरी समझा। सिंह साहब की तो जैसे सारी जमा पूंजी ही निकल गई। कुछ साल हुए, निक्कू को भी बैंक में नौकरी लग गई। अब घर में उसकी शादी के लिए बर्तवार आने शुरू हो गए। निर्मला जी और सिंह साहब खुद को संवेदनशील मानते थे, इसीलिए लड़की वालों को शरबत तो नहीं पर पानी पूछने का नियम बना रखा था। दहेज की रकम कम रखी थी। एक बार को निर्मला जी ने सिंह साहब से कहा भी कि जो हमने सहा वो दूसरे ना ही सहे तो बेहतर, दहेज नहीं लेते हैं। सिंह साहब ने उन्हें वास्तविकता और व्यवहारिकता का पाठ पढ़ा दिया। शादी का खर्च समझती हो? इतने लोग आएंगे, शामियाना, बैंड बाजा, खाना पीना, सजावट, और आजकल तो फोटोग्राफी का अलग ही तामझाम है। आखिर निक्कू के भी तो कुछ शौक हैं, कैसे पूरे करेंगे? तीनों बेटियों की शादी में लोगों ने तो हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, गिद्ध के जैसा नोच लिया। अब तुम मुझसे साधु संत बनने की अपेक्षा मत करो। कॉलेज में रैगिंग से सताए बच्चे सीनियर बनने पर बड़ी तीव्र इच्छा से रैगिंग करते हैं। समाज में हर वर्ग का हाल वैसा ही है, और सिंह साहब उन्हीं में से एक थे, कोई अपवाद नहीं। निर्मला जी को भी उनकी बातों में तर्क नजर आ रहा था। निक्कू के ससुराल वालों से सिंह साहब ने घर खर्च, जेवर और घर के फर्नीचर की डिमांड रखी थी। निर्मला जी, जिन्हें निक्कू के शौक बहुत प्यारे थे, उन्होंने निक्कू के लिए एक बाइक की डिमांड भी बढ़ा दी थी। खुद को उदारवादी मानते हुए वो एक पुस्त नकद नहीं मांग रहे थे, हर जगह ढोल पीट रहे थे कि उन्होंने दहेज नहीं लिया। अपनी वाहवाही लूटने में उन्हें इतना भी एहसास नहीं हो रहा था कि निक्कू के ससुराल वाले कैसे मुश्किल से सब कुछ जुटा रहे। कहने को समाज, समय, स्थान, तरीका सब बदल गया था, पर कुरीति और दहेज प्रथा की साइकिल में निर्मला जी और सिंह साहब ने खूब ग्रीस डाला था और उस तेज घूमते पहिए से खूब हवा खा रहे थे। निर्मला जी के अपने पिताजी के लिए संवेदनाओं का तबादला हो चुका था। अब सोच में डूबने की बारी निक्कू की होने वाली पत्नी की थी। मिठाइयाँ, रिक्शे की सैर, अच्छे शर्ट, जूते, महंगे फल का स्वाद, एक सूटकेस में रखने की भारी उसके पिता की। कैसा लगा आपको आज का किस्सा, किस्सों और कविताओं का ये संगम? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि दहेज प्रथा महिला विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि दहेज लेने वालों में भी महिलाएं होती हैं जो समस्या की जड़ होती हैं, और देने वालों में ज्यादातर पुरुष जो समस्या के भोगी होते हैं। तो इसे सामाजिक समस्या कहना ज्यादा उचित होगा। क्या आपके पास इस समस्या को खत्म करने के कोई उपाय हैं? अपनी प्रतिक्रिया मेरे पेज पर जरूर दीजिएगा। यदि आपको मेरी कविताएं और किस्से पसंद हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे मेरा मनोबल बना रहेगा। मिलती हूँ फिर अगले शनिवार रात 8 बजे एक नए किस्से के साथ। आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।